અને હવે આગળ વાત કરીએ દેશમાં કોરોનાને લઈ ટોપ 9 અપડેટ પર। દેશમાં ફરી એકવાર કોરોના વકરી રહ્યો છે। છેલ્લા 24 કલાકમાં 25,320 નવા કેસ નોંધાયા। 16,637 કોરોના દર્દી સાજા પણ થયા તો 161 દર્દીના મોત થયા। આ સાથે દેશમાં કોરોના સંક્રમિતોનો આંક 1,13,00,000 ને પાર પહોંચ્યો। महाराष्ट्र में वधतो कोरोना जोखम, अत्यार सुधी में 22.97 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुक्या है। 21.25 लाख दर्द साजा थे, जयरे 52,811 लोग मृत्यु थे। हाल में 1.18 लाख दर्द की सारवार चाली रही है। तो आ तरफ केरल में 10.89 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुक्या है। 10.53 लाख साजा थी चुक्या है, जयरे संक्रमित 4,382 जीव गुमाव्यो। 30,937 एक्टिव केस। कर्नाटक में अत्यार सुधी में 8,042 केस नोंधाया, जेने जोता मुख्य प्रधान येदियुरप्पाए जनता समक्ष सुरक्षित रहेवानी अपील करी। येदियुरप्पाए जनता समक्ष अपील करता कहू कि राज्य में फरी लॉकडाउन लागू न थाय ते माटे राखो सावधानी। देशी राजधानी दिल्ली में सतत चौथा दिवस कोरोना कहर वर्ता। 24 कलाक में कोरोना संक्रमितों की संख्या 400 ने पार पहुंची। अत्यार सुधी में 10,941 दर्दियों का मौत है। दिल्ली में रिकॉर्ड ब्रेक वैक्सीनेशन कर 24 कलाक में 40,000 थी वधु लोगों ने रसी अपाई। देश में अत्यार सुधी में 3 करोड़ थी वधु लोगों ने रसी आपी देवाई छे। रसीकरण महाअभियान रंग लावी रह्यु छे। अत्यार सुधी में 3 करोड़ थी वधु लोगों ने कोरोना की रसी पहलो डोज अपायो। कोरोना ने नाथवा देश में 6 जेटली वैक्सीन आवशे। आरोग्य प्रधान डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहू कि भारत विश्व गुरु बनशे। हर्षवर्धन ने कहू कि भारत की वैक्सीन मात्र देशवासियों ने ज नहीं परंतु विश्व देशों ने पण मदद करी रही छे। भारत अत्यार सुधी में विश्व 71 देशों में वैक्सीन पहुंचाड़ी। कैनेडा, ब्राजील, नेपाल सहित देशों भारतीय वैक्सीन डोज लई रहा है।